हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे पसंदीदा शो हल्का हलचल, जिसमें हम आपको सुबह सुबह लेकर चलते हैं आपके ही हलके में लाइव और बताते हैं हर वो सुर्खियां जो चाय की चुस्कियों के साथ आपके लिए जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आपको लेकर चल रहे हैं फतेहाबाद, जहां से सतबीर लंबोरिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतबीर को प्रकट कराइए भाई। अरे वाह सतबीर, आज तो आप रंग बिरंगे परिधान में नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? नमस्कार गौरव जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप देख रहे हैं कि जो बसंत ऋतु है उसका आगमन शुरू हो चुका है, तो इसलिए हर लोग जो हैं वो रंग बिरंगे उनमें नजर आ रहे हैं। आज मैं बीकानेर मिष्ठान भंडार के आगे यहाँ अपना लाइव के लिए प्रोग्राम कर रहा था, तो इतने में ही ये लोग आए और इन्होंने मुझे भी अपने रंग में रंग दिया, अपनी पगड़ी पहना दी। गौरव जी बताइए आगे। अच्छा है, अच्छी लग रही है पगड़ी आपकी। मौसम कैसा है आपके यहाँ? देखिए गौरव, मौसम की यदि बात करूं तो सूर्य देव ने सुबह से ही दर्शन दे दिए हैं और धीरे धीरे जो ठंड है वो बिल्कुल कम होती जा रही है और ये मौसम जो है ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से सिकुड़ रहा था, वो पटरी पर आ चुका है। ठीक है, कल क्या सुर्खियां रही आपके यहाँ? देखिए कल की सुर्खियों की यदि बात करूं तो 7 फरवरी 2019 को हमारी खबर के बाद यहां के लहरिया गांव की सरपंच उर्मिला को सस्पेंड कर दिया गया था और अब एक बार फिर से उसी, हमने जो खबर उठाई थी मुख्यतः उसी पे संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने उसको दोबारा से बर्खास्त कर दिया है। ये कल की सुर्खियों की खबर है और यदि बाकी जिले की कोई खबरों की बात करूं तो 5 करोड़ के विकास कार्य हैं जो उन पर रोक लगा दी गई है, जिसमें चिल्ली झील है फतेहाबाद की और मुख्य जो काम थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई है और उनको एक बार होल्ड पे रखा गया है। और आज क्या हलचल रह सकती है आपके यहाँ? देखिए गौरव, सबसे ज्यादा जो राजनीतिक हलचल है वो आजकल ठंडी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ के जितने भी स्थानीय विधायक हैं या जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सभी चंडीगढ़ में होने की वजह से विधानसभा का सत्र आज 8वां दिन जारी है और कल क्योंकि समापन की ओर है, विधानसभा का कल अंतिम दिन होगा, इसीलिए यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो ठंडे बस्ते में। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, पगड़ी अच्छी लग रही है आपकी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हिसार, जहां से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकट कराइए अनूप को। अनूप गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार हूँ। मौसम कैसा है आपके यहाँ? गौरव जी, मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग एवं कृषि विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चलेंगी। किसानों को उन्होंने यह भी कहा है कि वो फसलों पर स्प्रे का छिड़काव न करें, क्योंकि तेज हवाएं होने के कारण उसका प्रभाव कम रहेगा। इस प्रकार की एडवाइजरी भी मौसम विभाग और कृषि विभाग द्वारा की गई है। जी गौरव, ठीक है। और कल क्या सुर्खियां रही आपके यहाँ? गौरव जी, कल हिसार में जो पूर्व सरपंच है सुलखनी के, उसकी घर के सामने ही दिन दहाड़े मौत गोली मारकर मार दिया गया था उनको। उसके बाद पूरा दिन प्रशासन उसके जो हत्यारे थे उनको पकड़ने में लगा रहा, नाकाबंदी की, लेकिन अभी तक उनका कोई गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में ही पावड़ा गांव के लोगों ने भी एक युवक की मौत पर शव को रखकर प्रदर्शन किया, लेकिन वो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आश्वासन मिला और आश्वासन के बाद उन्होंने जाम खोला। जी ठीक है, और आज क्या हलचल रह सकती है? गौरव जी, आज बिजली कर्मचारी हैं उकलाना के, वो 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना देंगे, क्योंकि उनके किसी जो एक कर्मचारी साथी को बेवजह सस्पेंड कर दिया गया है। उसके अलावा उकलाना की तहसील में आज रेवेन्यू डे मनाया जाएगा, जिसमें लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अब हिसार के बाद आपको रतिया लेकर चलते हैं, जहां से अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकट कराइए अशोक को।
चलिए, लेकिन फ्रीज है फ्रेम अशोक का लगता है। अशोक तक हमारी आवाज पहुंचेगी लेकिन उनसे बातचीत करने में ही परेशानी होगी। फ्रीज है अशोक आपका फ्रेम, इसको जरा ठीक करा लीजिए। तो हल्का हलचल में कोशिश यही है कि किसान भाइयों को भी खास तौर से हम ये बता सकें, जिस तरह से अनूप कुंडू बता रहे थे अभी कि एडवाइजरी जारी की गई है, अगले दो दिनों तक हवाएं तेज चल सकती हैं, ऐसे में कीटनाशक और बाकी जो स्प्रे है उनका छिड़काव आप करेंगे तो उनका असर कम होगा, क्योंकि वो हवा के साथ उसका अब इधर उधर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फैल जाएंगे और उसका असर कम हो जाएगा, इसलिए दो दिनों तक एडवाइजरी। ये हिसार से खबर आई है कि वहां छिड़काव नहीं करना है, तेज हवाएं चल सकती हैं, ये एडवाइजरी कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है। आपके ही भी इलाके में मौसम का हाल क्या है, आपको हम सुबह सुबह इसी के लिए कोशिश करते हैं कि लाइव लेकर चल सकें आपके हल्के में, जहां हम आपको बता सकें कि आपके हल्के में कल क्या सुर्खियां थी, आज क्या हलचल हो सकती है, मौसम कैसे हैं और हालात कैसे हैं, ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में हिसार का हाल आपने जान लिया, आपने जान लिया कि किस तरह से फतेहाबाद में परिस्थितियां हैं। अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे साथ जुड़े जरूर थे लेकिन उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है। अगली बारी आपके हल्के की है, वहां भी लेकर चलेंगे और बताएंगे कि वहां इस वक्त मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, किसानों को क्या करना है क्या नहीं करना है और इन परिस्थितियों में किसानों के लिए क्या बेहतर है, फसलों के लिए क्या बेहतर है, और इन सब के बीच किसानों के लिए यह भी चिंता का विषय है क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा है, कभी ओलावृष्टि, और अपने विधानसभा में सुना भी कि किस तरह से स्पेशल गिरदावरी कराने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हल्का हलचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको लेकर अब हम चल रहे हैं फरीदाबाद, जहां से राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा पटेल को प्रकट कराइए। राजा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए, फ्रेम फ्रीज हो गया है राजा का लगता है, तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएगी इन तक। अब हम इसको जल्दी से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको फरीदाबाद लेकर चलेंगे, कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी, भारत साबरी के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन फ्रेम फ्रीज हो गया है इसलिए अभी इन तक आवाज नहीं जा रही है। राजेंद्र दहिया के पास फरीदाबाद में ही बल्लभगढ़ है, वहां लिए चलते हैं। तब तक आपको प्रकट कर रही है राजेंद्र को। राजेंद्र गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग गौरव जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार हूँ। मौसम कैसा है आपके यहाँ? मौसम आज धूप निकली हुई है और पूरे दिन मौसम खुला रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं, और पिछले दिनों जो बरसात हुई है अभी दो दिन पहले, उससे कहीं ना कहीं सर्दी जरूर बढ़ गई है गौरव जी, और लोगों ने दोबारा से अपने गर्म कपड़े निकाल लिए। और सुर्खियां क्या रही कल आपके यहाँ? कल की बात करें गौरव जी, तो कल जो बिजली, एक जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, बिजली कर्मचारी कंप्लेंट करने के लिए गया था और वो जब करंट लगने के बाद नीचे गिर गया तो कंपनी के जो कर्मचारी थे या प्रबंधन था, करीब डेढ़ घंटे तक वो तड़पता रहा लेकिन उसकी तरफ किसी ने भी नहीं ध्यान दिया और वो तड़प तड़प के उसकी वहां पर जान निकल गई जी। और आज क्या हलचल रह सकती है आपके यहाँ? आज की बात करें गौरव जी, तो लगातार जिस तरीके से जो प्रशासन द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, सरकार की नीतियों को लेकर घर घर तक उनको पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो जिला उपायुक्त हैं या अन्य अधिकारी हैं, वो तमाम अधिकारी इस कार्य पर लगे हुए हैं कि ताकि जो सरकार की जनहित ऐसी नीति है उनको घर घर तक पहुंचाया जा सके जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया जुड़े थे, अब आपको फरीदाबाद लेकर चलते हैं। राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा को प्रकट कराइए। राजा, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि मौसम काफी अच्छा है, काफी अच्छी धूप खिली हुई है। पिछले दो दिनों में जिस तरीके से फरीदाबाद में बारिश हुई, किसानों की काफी बड़ी समस्या और सरसों की फसल काफी ज्यादा नुकसान फरीदाबाद के किसानों को हुई है। जिस तरीके से लगातार पूरी रात जो बारिश हुई थी उसको लेकर जो नुकसान है काफी ज्यादा है। और दूसरी बात गौरव, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के कुछ ऐसे गांव हैं जिनका जिनपे नहर का बांध टूट गया और उनके खेतों में पानी पहुंच गया, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया पर अभी तक कोई भी सिंचाई विभाग का अधिकारी या कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा है जी। इसके अलावा और भी कुछ सुर्खियां रही कल आपके यहाँ?
जी बिल्कुल, देखिए गौरव मैं आपको बता दूं कि कल की बात करें तो कल तमाम जिस तरीके से बजट था, बजट सेशन को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा यहां पर, और विपक्ष ने भी जिस तरीके से पूर्व विधायक हैं तिगांव से जो कांग्रेसी विधायक है ललित नागर, उन्होंने भी काफी ज्यादा सरकार पर हमला, उन्होंने साफ तौर पर बजट को कहीं ना कहीं ढोकला और ड्रामेबाज करते हुए ऐसा कुछ करके बजट को बताया, तो काफी ज्यादा कल फर्दावन शुरू किया देखने को मिले। वहीं आज की बात करें गौरव, जिस तरीके से कंपनियों में लगातार आपने देखा कि हादसे होते हुए आए हैं, तो उसको लेकर आज हरियाणा न्यूज की टीम रियलिटी चेक करेगी, क्या फायर इक्विपमेंट और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या उनको पर्याप्त जो कंपनी सुविधा मुहैया कराती है वो करा पाई है या नहीं करवा पा रही। जी ठीक है, और इसके अलावा और कोई आज हलचल रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए गौरव आज जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं और जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आज हरियाणा न्यूज की टीम वहां पर जाएगी और रियलिटी चेक करेगी क्या वाकई में जो जो लोग वहां पर काम करते हैं, जो मजदूर वहां पर काम करते हैं, उनको जो पर्याप्त सुविधाएं कंपनी की ओर से दी जानी चाहिए थी देते हैं या नहीं देते। और फायर इक्विपमेंट की बात करें तो काफी बड़ी समस्या है फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में, क्योंकि तमाम ऐसी कंपनियां हैं, पहले भी हमने रियलिटी चेक किया था कि फायर इक्विपमेंट प्राप्त नहीं मिले थे, जिसको लेकर काफी बड़ा हादसा कंपनियों में होता है, इसको लेकर भी रियलिटी चेक आज हरियाणा न्यूज करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजा। अब आपको लेकर चलते हैं कैथल, जहां से विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन को प्रकट कराइए। विपिन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग गौरव, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत शानदार हूँ। मौसम कैसा है आपके यहाँ, धूप निकली है? जी बिल्कुल, अब गर्मी शुरू हो गई है और धूप अच्छे से निकल चुकी है, सर्दी जा चुकी है। ठीक है, और कल क्या सुर्खियां रही आपके यहाँ? जी कल फिर हम आपको बताते हैं कि पानी की समस्या को लेकर लोगों ने फिर प्रदर्शन किया कि पानी की सप्लाई गंदे पानी की हो रही है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं सीवरेज की लीकेज भी बीच में मिक्स हो रही है, तो उसके लिए प्रशासन अधिकारियों से काफी लोग मिले, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका है। उनका कहना है कि जांच की जाएगी। और दूसरा, काफी यहाँ पे लगभग जिले के अंदर 20 जो बोर है वो बंद हो चुके हैं, जिसके लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो शुरू होंगे, कब शुरू होंगे, गर्मियां शुरू होने के बाद शुरू होंगे, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और आज क्या हलचल रह सकती है कैथल में? जी आज जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय एक मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, हो सकता है कोई बड़ा नेता इसमें शिरकत करे। और दूसरा, नगर पालिका के नगर परिषद के जो कर्मचारी रात को काम करते हैं, टेंडर होने की वजह से उनको हटा दिया गया है, वो अपनी हड़ताल धरना प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा, एक और खबर हम आपको बता दें कि कैथल के अंदर 20 दिन से जो नगर परिषद द्वारा सुलभ शौचालय बनाए गए थे, ये शौचालय बनाए गए थे, फैब्रिकेटेड शौचालय बनाए गए थे, वो 20 दिनों से बंद पड़े हैं, यानी कि कैथल में अब खुले से शौच मुक्त नहीं रहा, लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा रतिया चलते हैं, अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकट कराइए अशोक को। हाँ अशोक बताएं, आज क्या हालचाल रह सकती है रतिया में? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं, उसको लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। जो कल की बातें हैं गौरव, उसमें मैं बता दूं कि कल रतिया में जाखंदादी इलाके में जो कब्जा कार्रवाई होनी थी 47 मकानों को पर, जिसको प्रशासन ने अवैध बताया हुआ है, उसको लेकर कल पुलिस फोर्स मुहैया न होने के कारण वो कार्रवाई स्थगित हो गई है गौरव। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अशोक। तो हल्का हलचल में आप सुन रहे थे आपके हलके की हर हलचल, आपके हलके की हर अपडेट। हम सुबह सुबह कोशिश करते हैं कि आपके पसंदीदा प्रोग्राम हल्का हलचल में आपको दे सकें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।